अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का टॉपिक है केज अनबॉक्सिंग का। तो केज लेके आए, 8 पार्टीशन इस्लामाबाद से मंगवाया है, तो वो हमारे पास पहुँच चुका है, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए आप जी, ये केज है दी मास्टर, दी सुपर मास्टर, सॉरी, रावलपिंडी से आया है 8 पोर्शन का, और यहाँ तक मेरे घर पहुँचता। इसकी हालत देखें क्या हो रही है, रस्सियाँ टूट गई हैं इसके ऊपर लगी थी, और शुक्र है डब्बा बाहर कर अंदर की चीज़ें बच गई। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हाँ जी, जिस तरह आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह हुक्स लगी मिलेंगी, उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। आपने ज़्यादा ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर आप ज़्यादा ज़ोर आजमाई करेंगे तो हुक्स बहुत नाजुक होती हैं, ये फ़ौरन टूट जाएंगी, इसलिए बहुत ही एहतियात रखें। अगर आप इसमें कोई पार्टीशन लगाना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास बर्ड का साइज़ देखना है, बर्ड्स कौन सा, उसके लिहाज से आपने केज में पार्टीशन लगानी है। तो ये आपको साथ मिलेंगी हुक्स, इनको आपने दूसरे पोर्शन के साथ अटैच करते जाना है। 2 पोर्शन में मैंने लगाई हैं पार्टीशन, और 2 में मैंने नहीं लगाई, और इस तरह आप अटैच करते जाएंगे तो आपको एक मिलेगा 8 पार्टीशन मास्टर का कैच। ये जी, तो केज हो चुका है रेडी, तो बस आप चेक करें। Sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so. तो जी, कुछ बार मैंने शिफ्ट कर दिए इसमें, और ये एक पेयर लगा दिया साथ फैलो का, तो कॉकटेल के बच्चे भी इसमें छोड़े हैं। ये इसमें पार्टीशन नहीं लगाई क्योंकि केज बड़ा है, इनके लिए ठीक है, फ्लाई आसानी से कर सकते हैं इसमें। मैं अगर मैं इसमें पार्टीशन लगा दूंगा तो ये इनके लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो ये ऊपर केज है, ये पोर्शन भी इनके लिए छोड़ा है। कॉकटेल के लिए एक और पेयर है, उसने भी चिक्स निकाले हैं, वो इसमें नहीं छोड़े क्योंकि उन्होंने उसको चिक्स को फीड करवानी छोड़ देनी है, वो थोड़े दिनों तक इसमें शिफ्ट कर देंगे। और 6 पार्टीशन मैंने बनाया ऊपर, इनमें फिंचेस छोड़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी, उन्होंने भी चिक्स निकाले हुए हैं। तो जी, ये केज हो चुका है कंप्लीट आपके सामने।